हुए। ट्रेन में करीब 1500 यात्री सवार थे जो लॉकडाउन के चलते इंदौर में फंसे हुए थे। पश्चिम बंगाल जाने के लिए इंदौर के अलावा रतलाम, खंडवा, देवास, धार आदि अन्य जिलों से भी लोग पहुंचे थे। अपने घर जाने के पहले सभी ने इंदौर की जनता और प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, लॉकडाउन में भी इंदौर से इतना प्यार मिला कभी नहीं भूल पाएंगे। ट्रेन में पंजीकृत श्रमिकों को ही जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई लिस्ट के अनुसार भेजा गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई इस ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए श्रमिकों को ट्रेन में सवार किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनकी वजह से हम अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंदौर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लोगों ने जो हमें प्यार दिया है उसे भुला पाना संभव नहीं है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यहाँ रहने वाले छात्र, कामगार और श्रमिक सहित अन्य लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। यह ट्रेन आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान के करीब 1500 लोगों को लेकर रवाना हुई। इसके लिए कॉल सेंटर पर ही खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जांच के बाद ट्रेन में सवार किया गया। इनके लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। इन्हें सेंटर से बस के द्वारा स्टेशन तक पहुंचाया गया। रतलाम, धार, देवास, खंडवा सहित अन्य जिलों से करीब 250 लोग यहां पहुंचे थे, जिन्हें पूरी व्यवस्था के साथ ट्रेन में बिठाया गया।